आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। मूल्यांकन कार्य के नाम पर शिक्षकों की बर्खास्तगी चरम तानाशाही। शिक्षक आंदोलन को दमन के बल पर दबाना चाहती सरकार। टीईटी शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर जताया आक्रोश। 2 मार्च को निकलेगी शिक्षक संघर्ष यात्रा। बेगूसराय में शिक्षकों को संबोधित करने पहुंचेंगे संगठन के अध्यक्ष मार्कंडेय। पाठक सहायक शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित की भांति वेतन सेवा शर्त की मांग पर जारी रहेगी शिक्षक हड़ताल। सहायक शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित की भांति वेतन सेवा शर्त की मांग पर बिहार के नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। जिले के लगभग तमाम सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन ठप है। इधर इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में भी जिले के अधिकांश शिक्षकों ने शामिल होने से परहेज किया है। उधर विभागीय निर्देश पर इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में नहीं शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध बर्खास्तगी और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों के ऊपर निलंबन, बर्खास्तगी और प्राथमिकी की सरकारी कार्रवाई पर जिले के शिक्षकों में गहरा आक्रोश दिख रहा है। इसी क्रम में आज टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के बैनर तले शिक्षकों का एक जत्था अंबेडकर चौक से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक मार्च निकाला। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। आप लोगों का यहाँ आज हम लोगों का जो बेगूसराय के शिक्षकों पर FIR और निलंबन की जो कार्रवाई हुई है उसी को लेकर के हम लोगों ने अंबेडकर चौक से चलकर दैनिक चौराहे पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है और सरकार की किसी भी दमनात्मक कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश, जिला महासचिव टीटी एसटीटी।